अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर वसीम, मेरे साथ है डॉक्टर रबिया। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे कि मैं क्या पूरे दिन में डाइट लेता हूँ, या जब मैं डाइट कर रहा होता हूँ, जब मैं कट कर रहा होता हूँ, मैं ऑफ सीजन होता हूँ या ऑन सीजन होता हूँ, मैं क्या खाता हूँ। तो अभी आप लोगों को मैं ये बताता चलूँ कि मैं 30 डेज के लिए कीटो प्लान पे जा चुका हूँ, रवाना हूँ, और प्रॉपर तकरीबन मेरा 6 डे है कि जो मैं प्रॉपर पाबंदी से एक कीटो डाइट फॉलो कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो डाइट प्लान जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, जो कि बनाया है डॉक्टर रबिया ने, और जो हम अक्सर मैक्रोस की बात करते हैं कि आप अगर अपनी मैक्रोस के बारे में समझ जाएं तो आप, जरूरी नहीं है कि बड़ा कोई मुश्किल प्लान आपको फॉलो करना होगा डाइट का, आप बड़ा जायकेदार मजेदार रेसिपीज बना सकते हैं और उसके जरिए अपनी ना सिर्फ डाइट फॉलो कर सकते हैं बल्कि अपने मील्स को इंजॉय भी कर सकते हैं और जो रिजल्ट्स आप हासिल करना चाहते हैं वो आप हासिल कर लेते हैं। 30 डेज कीटो करने का मकसद है कि अपनी बॉडी को जितना ज्यादा 30 डेज में लीन कर सकूं कर लूं। कुछ आगे समझ भी आ रहे हैं, कुछ फोटोशूट्स हैं तो उसके लिए अपने आप को तैयार कर रहा हूं। तो डॉक्टर रबिया, जो सबसे पहला मील है मेरा मशरूम चीज ऑमलेट, जो कि नजर भी आ रहा होगा आपको, तो इसका थोड़ा बता दें कि ये इसके मैक्रोस एंड चीज ऑमलेट जो है ना, अप्रोक्सीमेटली 400 किलो कैलोरीज के इसके मैक्रोस हैं। इसके अंदर जो है, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसके अंदर 400 किलो कैलोरीज हैं, ठीक है। प्रोटीन इसके अंदर 20 ग्राम्स हैं, और कार्ब्स जो है वो 2 ग्राम है, और फैट्स 33 ग्राम है। अब हमने इसके साथ ना 2 सॉसेजेस भी रखे हैं। अब लोग कहते हैं कि हम इतनी मेहनत ना करें और 2 सॉसेजेस खा लें। अब आप ये सर्विंग साइज देखें कि इस सर्विंग साइज में आपको 2 अंडे एक चीज का स्लाइस मिल रहा है, वेजिटेबल्स मिल रही हैं आपको, फाइबर, फैट, प्रोटीन सब कुछ मिल रहा है, और सिर्फ ये 2 सॉसेजेस। ऑब्वियसली जब आप ये 2 सॉसेज खाओगे ना, आपका जो ब्रेन है वो आपको यही कहेगा कि मैंने बहुत थोड़ा खाना खाया है, आपका पेट नहीं भरेगा। वॉल्यूम देखने कितना डिफरेंस है, बल्क देखें कि उसमें और इसमें कितना प्रोटीन भी आ गया, हेल्दी फैट्स भी आ गए और फाइबर भी आ गया। और फिर जब लोग यही खाते हैं और फिर उन्हें कॉन्स्टिपेशन होती है, बाकी इश्यूज आते हैं, स्किन खराब होती है, ड्राइनेस आती है, बाल गिरते हैं, तो फिर वो लोग कहते हैं कि भाई हमने तो कीटो ही की थी ना, है तो ये भी कीटो, देखें प्रोटीन और फैट ही है, कार्ब्स लो है, लेकिन मसला क्या है कि आप देखें मैक्रोस, उसका वो एक हेल्दी कीटो है और एक अनहेल्दी कीटो है। तो अगर आप ये टेस्ट करके लोगों को बताएं कि ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी है, ये जो है अवाम को बताने के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूं अपने ये सारे के सारे मील्स, और मुझे नहीं लग रहा कि मैं कोई डाइट फॉलो कर रहा हूं, तो मुझे खुशी होती है कि यही प्लान जिस तरह मिलते जुलते प्लान जब अपने पेशेंट्स को देते हैं तो उनको उनके अंदर भी कबूलियत आ जाती है और बहुत अच्छी तरह से फॉलो कर रहे होते हैं। मैं यहाँ पे एक और बात करूंगी कि अभी प्लान्स पूरा डाइट प्लान आपसे शेयर होने से पहले कि हमने हर चीज अप्रोक्सीमेटली इसीलिए रखी है, और सर का प्लान भी हमने आइडियल इसीलिए थोड़ा सा डिजाइन भी किया है कि हम हर चीज रखें। नाश्ते के अंदर हमने आपको बताया कि आप ऑमलेट ले सकते हैं, आप इसी की जगह 2 फ्राइड एग्स भी ले सकते हैं, आप इसी की जगह चीज हटा के इसके अंदर मशरूम्स ऐड कर लें, ऑलिव्स ऐड कर लें, ठीक है। आप इसको अपने लिए अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। जब आप एक बार डाइट पे आ जाते हैं ना, और आपको हर चीज के मैक्रोस एडजस्ट करने आ जाएं, क्योंकि हमारे हम इतनी अच्छी गाइडेंस दे देते हैं आपको, हमारी यूट्यूब वीडियो से मिल जाएंगी, हमारी लाइव वीडियो से मिल जाएगी कि आपने अपने मैक्रोस कैसे एडजस्ट करने, और जो लोग ऑलरेडी हमारे प्रोग्राम्स के अंदर रजिस्टर्ड है, जैसे बिल्ड एंड बर्न है या डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम है, उनको तो प्रॉपर टीच किया जाता है कि आपने अपना कैलोरिक बजट कैसे सेट करना है। तो इन्हीं मील्स में वो सब कुछ इंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक ऑमलेट है तो फिर हमने एक देसी ग्रेवी भी रखी है सब्जी के साथ, सब्जी गोश्त, जैसे बहुत से बुजुर्ग हमें फॉलो करते हैं ना, तो वो कहते हैं हमें सब्जी गोश्त चाहिए, तो वो भी है, जो कि आपका मील नंबर 2 है, पालक चिकन जो है, ठीक है। तो ये पालक चिकन की भी जरा मैक्रोस इनको बता दें। अच्छा, यहाँ पर ना अब बहुत से लोग कह रहे होंगे कि ये बहुत ज्यादा है, एक्चुअली ना ये सर्विंग ज्यादा है, ये मैं बता दूं, ये सिर्फ 2 सर्विंग्स है, यानी कि ये 250 ग्राम है, 125 ग्राम जो है ना अप्रोक्सीमेटली एक सर्विंग होती है, और उसकी कैलोरीज कितनी है, तकरीबन 500 कैलोरीज की, 427 कैलोरीज है ना, 494 अप्रोक्सीमेटली 500 कैलोरीज एक मील की। फिर वही बात आ जाती है, आप इसकी जगह पर एक चिकन टिक्का भी ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर वेजिटेबल्स नहीं होंगी तो आपका फाइबर नहीं आएगा, एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं होंगे, बहुत सारी चीजें। तो फिर दूसरा कि जितना ज्यादा फूड का वॉल्यूम होगा ना, आपका ब्रेन और आपकी आई सबसे पहले खाने को वही परसीव करते हैं ना, तो ब्रेन और आईज को ये लगेगा कि हमने इतना खा लिया, तो आपको फुलनेस की फीलिंग जल्दी आएगी, जितना फाइबर होता है उतनी जल्दी आपकी साइटी को कंप्लीट करता है वो। तो अब अगर आप ये भी टेस्ट करके सबको बता दें कि इससे दिल खराब नहीं होता, 250 कैलोरीज इसमें फैट से आ रही है, तो जो तकरीबन आपकी बनती है 25 ग्राम फैट, तो ये फैट्स लिए कहाँ से हैं, कौन से सोर्स से लिए? ये फैट्स जो हैं, अच्छा ये सारा खाना देसी घी या ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल में बना हुआ है, हर चीज डिफरेंट किस्म के ऑयल्स में बनी हुई है, इसलिए बनी हुई है कि आप हर चीज नॉर्मल टेस्ट के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसके अंदर अब बहुत से लोग पालक के अंदर ना दूध डालकर पकाते हैं, वो कहते हैं कि भाई बादी खत्म करनी होती है ना, तो हमने इसके अंदर दूध नहीं डाला, हमने इसके अंदर प्लेन क्रीम डाली है, आप उसकी जगह घर पे जो मलाई होती है वो डाल सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपने दूध ही डालना है।
अच्छा, ये था इनका मील नंबर टू। मील नंबर थ्री में हमने रखी एक बारबेक्यू की आइटम, ताकि लोग जो लोग जो यंगस्टर्स कहते हैं हम हॉस्टल में डाइट करते हैं, हमारे लिए उतना आसान नहीं है ना डाइट करना, तो वो बेसिकली एक ही बार चपली कबाब बना कर रख सकते हैं और फिर वो फ्रीज कर सकते यूज कर सकते हैं। हाँ जी, ये देखिए, अब यही जो आप एक बार बना के इवन कुक करके भी आप इसे फ्रीज कर देंगे ना, तो ये इसकी जो है शेल्फ लाइफ वो 1 मंथ होती है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो दो चपली कबाब एक सर्विंग है, यानी फिर वही बात आ जाती है, जितना वॉल्यूम उतना बल्क और उतनी जल्दी आपको स्टाइटी की फीलिंग आएगी। तो अगर आप ये भी टेस्ट करके बता दें। अच्छा, ये सब कुछ लो कार्ब है, इसके साथ हमने एक लो कार्ब सॉस भी बनाई है, अगर आप मुझे पास कर दे तो मैं वो भी दिखा दूँ। बेसिकली जो लो कार्ब सॉस है ना, इसे आप दो चीज़ों के साथ यूज़ कर सकते हैं। हमने एक स्नैक डिज़ाइन किया है, ये उसके साथ भी यूज़ हो सकती है। अब आप इसका साइज देखें कि कितनी ज़्यादा है, ठीक, और कैलोरीज बहुत कम है। आप इसकी बजाय अगर बिल्कुल इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 0.5-0.7 ग्राम कार्ब्स होंगे, ठीक है। और ये जो चपली कबाब है ये फिर 500 कैलोरीज के हैं ना, और ये भी लो कार्ब है, इसके अंदर सिर्फ 3 ग्राम है। अब जो लोग, अगर आप टेस्ट कर देना, तब तक मैं एक बात इंपॉर्टेंट बता दूं। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि भाई हमने उसके साथ कॉर्नफ्लावर के साथ मैदे के साथ सब चीज़ें जोड़नी है, कबाब नहीं जुड़ते उसके बगैर, तो आप अंडा डाल के भी जोड़ सकते हैं, आप चीज़ डाल के भी जोड़ सकते हैं, आप इसके अंदर ऑलमंड फ्लावर डाल के भी जोड़ सकते हैं, और इसके अंदर आप कोकोनट पाउडर डाल के भी जोड़ सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमारे कबाब नहीं जुड़ सकते ना, कीटो वाले कबाब टूट जाते हैं या बिखर जाते हैं, तो भाई आप उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, आप इसके अंदर ऑलमंड फ्लावर यूज़ कर सकते हैं, आप अंडा यूज़ कर सकते हैं, आप चीज़ यूज़ कर सकते हैं जो श्रेड करके ना, उसे क्रश करके अब वो डालेंगे तो आपके कबाब जुड़ जाएंगे। फिर यही बात है, ये सारा खाना देसी घी, कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल में बना हुआ है, मुख्तलिफ ऑयल्स यूज किए गए हैं, टोटल ऑयल इसमें है, वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल किसी भी किस चीज में नहीं है, यूज करना भी नहीं है क्योंकि सेहत के लिए अच्छा नहीं। अच्छा, अब ना आ गया जाते हैं स्नैक्स। स्नैक्स हमने एक सॉलिड स्नैक रखा है और एक हमने रखा है लिक्विड स्नैक। अब जो लोग स्नैक को एडजस्ट करने में परेशान होते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा क्रॉस क्वेश्चन आता है ना, ये हमें फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन भी है कि भाई सॉलिड स्नैक कब लेना है, लिक्विड स्नैक कब लेना है, तो अपनी स्टाइटी के अकॉर्डिंग जो ज्यादातर लोग होते हैं ना, वर्कआउट के बाद उन्हें भूख का एहसास बड़ा ज्यादा होता है, तो वर्कआउट के 2 घंटे बाद अपना सॉलिड स्नैक ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर कैबेज रोल्स बनाए हुए हैं। अब कैबेज रोल्स जिन लोगों को चाइनीज खाने की बहुत या कॉन्टिनेंटल खाने की बड़ी आदत होती है, वो कैबेज रोल्स ले सकते हैं, अगर आप इसे हमारी सॉस के साथ ट्राई करके बताएं। अच्छा, ये जितनी भी रेसिपीज हैं ये सारी हम लोगों ने, ये लो कार्ब है, इसके ऊपर जो है ना, ऊपर जो कवरिंग है सारी की सारी कैबेज लीव्स है, बिल्कुल। अच्छा, ये सारी रेसिपीज जो है ना, हम सब लोगों ने मिलकर डिज़ाइन की हुई है, डॉक्टर तैयबा, डॉक्टर आयजा, डॉक्टर सुंबल और मैं, ये हम लोगों की मिलकर मेहनत है। और इसके अलावा इसको हमारी वीडियोस को जो शूट करते हैं, उनको डायरेक्ट करते हैं, वो हमारे सिनेमेटोग्राफर खलील साहब, उनकी भी बहुत मेहनत है कि वो ये सारी चीज़ें आपके लिए इतनी कलरफुल स्टाइल में लेकर आते हैं, आप लोगों के लिए विजुअलाइजेशन क्रिएट करते हैं, जो चीज़ नज़र आती है ना वो आपको ज़्यादा अच्छी लगती है, बेहतर समझ आती है, ठीक है। ये कहीं से डाइट फूड लग रहा है आपको, आप खुद देख रहे, खुद इंसाफ करें ना, इसका जायका डाइट फूड वाला है, इंतहाई टेस्टी है, पेट भर जाता है। मैं यही देखता हूँ, अगर इसके बाद भी कोई डाइट ना फॉलो करे तो वो अपने साथ ज्यादती ही कर रहे हैं, सारा कुछ तो इसमें मौजूद है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब इसके बाद आ जाती है एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज की प्री वर्कआउट स्नैक। एक गलती जो लोग बहुत ज्यादा करते हैं वो ये है कि अपनी शेकर बॉटल पकड़ेंगे, वर्कआउट पे जाएंगे, कूल लगने के लिए वर्कआउट के साथ साथ प्रोटीन शेक यूज करते रहेंगे। अब उससे क्या होगा, आपकी जब आप वर्कआउट कर रहे होते हो ना, तो आपकी किडनीज आपके अंदर जो है ना, वो फ्लाइट ऑफ फ्लाइट रिस्पॉन्स के ऊपर होती है, वो आपके अंदर एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन, एड्रेनालिन से क्रिएट करती है। एड्रेनालिन एक हार्मोन है, उसका काम ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर डाइजेशन को स्लो कर देता है। जब आप भागते हुए, कार्डियो करते हुए ये पियोगे ना, तो ये आपकी चेस्ट के ऊपर एक्युमुलेट होना शुरू होगा, कंजेशन होगी। यानी कि उसको मैं आसान अल्फाज से बोल दूं कि जो ब्लड सप्लाई है वो पेरिफ्री में गई हुई होगी, ट्रेन हो रहा होगा, तो जब आप जो हाजमा स्लो हुआ एग्जैक्टली, तो आपके गट को जब तक प्रॉपर जो ब्लड सर्कुलेशन है पूरी वहाँ पे नहीं है, तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी नहीं, तो बेहतरीन टाइम यही है कि इसको आप किसी और टाइम पे कंज्यूम करें। बिल्कुल, आप इसे प्री वर्कआउट ले सकते हो हाफ एन आवर बिफोर योर वर्कआउट, और अगर आधा घंटा घंटा और अगर आपने वर्कआउट के बाद लेना है, आपका कोई सॉलिड स्नैक नहीं आ रहा ना, जो फीमेल्स फॉलो कर रही हैं उनको बेसिकली ना सॉलिड स्नैक्स कम होते हैं क्योंकि उनकी कैलोरीज कम होती हैं, तो फिर आप उसकी जगह वॉलनट्स लेते हैं, पंजीरी लेते हैं। अच्छा, ये सिर्फ 200 कैलोरीज का हमारा जो है ना, सिर्फ और सिर्फ 2-3 ग्राम कार्ब्स हैं इसके अंदर। इसमें हमने वे प्रोटीन भी अपना यूज़ किया है, इसके अंदर सारी चीज़ें हमने अपनी यूज़ की हैं, इवन चेकअप बॉटल भी जिनास्टिक न्यूट्रिशन की है। अच्छा, अब ये बनाने का मकसद इसलिए था कि आप लोगों को पता रहे कि भाई आप इस तरह की किसी भी बॉटल के अंदर इसको रख सकते हो, अगर आप वर्कआउट के दौरान या वर्कआउट से पहले टाइम नहीं है तो आप ये पूरा दिन कंज्यूम कर सकते हो। इसकी शेल्फ लाइफ इतनी है कि आप पूरा दिन एक ही बार बना के रख लो और थोड़ा थोड़ा पीते रहो, ठीक है। जिन लोगों को मंचिंग करने की आदत है, स्नैकिंग करने की आदत है, उनके लिए बड़ा अच्छा स्नैक है। सॉलिड स्नैक से ना आपका स्पाइक ज्यादा आता है, लिक्विड स्नैक से उतना नहीं आएगा। हमारे पास 3 फ्लेवर्स अवेलेबल हैं, चॉकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी, वो बड़े अच्छे, मतलब ऐसा होता है ना कि आपको जायका वो मिल रहा होता है, तो आपको बार बार वो शुगर्स की क्रेविंग नहीं हो रही। अब ये विजुअलाइजेशन के लिए अगर आप पीकर दिखा दें, ठीक है जी।
पीएम इसलिए रहे ताकि आप लोगों को पता चले कि सब कुछ फ्रेश है, हाँ। कुछ पहले से पका के नहीं रखा हुआ, ये सारी की सारी जो हमने एफर्ट की है और ये सुबह सुबह हम सब लोगों ने मेहनत से खुद बनाया है यहाँ पर। उसका मकसद ये है कि आप लोगों को पता चले कि जो हम बोलते हैं वो हम खुद करते भी करते हैं। तो बस मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं इसको 30 डेज इसी तरह से फॉलो करता रहूं और बड़ा मजा आ रहा है अभी से, बड़ा लाइट फील कर रहा हूं, बड़ा फ्रेश फील कर रहा हूं। 5 to 6 आवर्स अल्हम्दुलिल्लाह नींद होती है लेकिन उसके बाद बिल्कुल ऐसी फ्रेशनेस होती है। कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेने की वजह से गनूदगी, सुस्ती, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये वो सारी रियलिटीज हैं जिनसे हम आपको आगाह कर चुके हैं। और अब मैं एक और बात, थोड़ी सी कुछ बातें मैंने ऐड करनी है। अब इस सारे बल्क के फूड के साथ जो कार्ब्स आपके पास आ रहे हैं ना, वो अप्रॉक्सीमेटली 22 ग्राम कार्ब्स हैं। इसलिए 2500 कैलोरीज का प्लान है, 2500 कैलोरीज हैं ये और कार्ब्स सिर्फ 25 ग्राम है, ठीक है। यानी कि पूरा जिस तरह हम बोलते हैं ना कि जो हमारे डाडी कीटो कार्ब्स का जो मैक्रोज है ना, मतलब यानी कि कार्ब्स वो 5% टोटल कैलोरीज उससे कम है। तो आप इन सब चीज़ों के अंदर वेरिएशंस ला सकते हैं, आप सब्जियां चेंज कर सकते हैं, आप चिकन की जगह बीफ, फिश, मटन कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए वेरिएशंस आपने खुद लानी है, बाकी हमने आपको हर तरह का खाना ला कर रखा है, पाकिस्तानी भी ला कर रखा है, बारबेक्यू भी ला कर रखा है, कॉन्टिनेंटल में भी आपको ला कर दिया और हमने आपको बेसिकली नाश्ते की एक आइटम भी बताई है ना, कंपैरिजन भी करके बताया। एक दफ़ा ग्रोसरी करें अच्छी अच्छी बेहतरीन और उसके बाद आप मज़े मज़े के खाने पका सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में फूड की रेसिपीज, जितने भी मील्स हैं इसकी रेसिपीज हम शेयर करेंगे और ताकि आप लोग उसको प्रॉपर तरीके से बना सके। और मैं सिर्फ वीडियो के लिए नहीं कह रहा कि बहुत टेस्टी है, वाकई ही बहुत टेस्टी है। आप जब इसको बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितने टेस्टी हैं। मुझे और मेरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। दोबारा फिर जल्द नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, कॉमेंट करना ना भूलिएगा।